चुनावी सर्वे करने के लिए आज हम पहुंचे हैं। काफ़ी सारी महिलाएं यहाँ बैठी हैं, एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं। आंटी, मोदी मान है, अभिमान है या अपमान है, ये बताओ। बताओ, मोदी को वोट दोगे? आगे बीजेपी को लाना है? हम नहीं देंगे, मोदी मत देना, और किसान ना बनाएंगे। इतना महंग वाड़ा कर दिया, धरती नहीं जमीन नहीं, दिहाड़ी मेहनत करते फिर। अच्छा, और तो मतलब बीजेपी को नहीं दोगे? ना। किसको दोगे फिर, क्या लगता है कौन सी सरकार को चुनोगे, किस कौन सी पार्टी को चुनोगे? जन सा अच्छा लगा उसने देंगे हम तो। कौन अच्छा लग रहा है अब तक? कांग्रेस, जेजेपी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कौन सी? जी बागी जी दे देंगे वोट। अच्छा, अभी नहीं सोचा? ना, फिर मोदी ने दे दे। मोदी को नहीं देते? ना। क्यों, क्या कर दिया मोदी ने? भैया कर दिया, सब कुछ महंगा कर दिया, गरीब महंगा कर दिया, गरीब वास्ता के करे। अच्छा। बाजे बाजे का तो कारट भी काट रखे है। आप किसको इस बार वोट देंगी? अभी मेरा तो वोट बना ही नहीं है। यू आर मैरिड राइट? हाँ जी। फिर भी वोट नहीं बना अब तक? नहीं, अभी तक डाला ही नहीं है किसी का। सर, इस बार कौन सी पार्टी को वोट देंगे, बीजेपी, जेजेपी, आम आदमी पार्टी? गवर्नमेंट सर्वेंट, कमेंट नहीं कर सकते ऑनलाइन। अच्छा, मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट हो इसलिए नहीं कर सकते? जी जी जी। तो वही सर की तो स्माइल ने आपको बता ही दिया होगा किसको ये वोट दे रहे हैं। कह रहे सरकारी इम्प्लॉय हूँ, नौकरी चली जाएगी भाई मेरी तो। अब यहाँ पर कुछ और महिलाएं भी बैठी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, मोदी मान है, अपमान है या सम्मान है? सम्मान है। सम्मान है, अच्छा लगते हैं मोदी जी? हाँ जी। इस बार फिर बीजेपी लाओगे? नहीं, इस बार कुछ चेंज करेंगे, आम आदमी पार्टी लाएंगे। आम आदमी पार्टी लाओगे? हाँ। आम आदमी पार्टी में क्या ऐसा है? सुविधाएं को देखते हैं जी, सुविधाएं उसमें काफी सारी दे रही है। क्या सुविधा दे रही है? जैसे फ्री में बसेज हैं, और दिल्ली में कुछ देखा था हॉस्पिटल में भी इलाज जल्दी हो गया था। अच्छा। क्योंकि हमारे एक रिश्तेदार है दिल्ली में, तो वहाँ पे हॉस्पिटल में इलाज जल्दी हो गया था। और यहाँ हम सुबह से एक रात के 1 बजे के आए बैठे हैं, अब तक कोई सुनवाई नहीं, हमारा पेशेंट तड़प रहा है। कोई किस चीज़ के लिए आए हो? जो मेरे मतलब मेरी साली जो है प्रेगनेंट है वो फिर। हाँ जी। तो रात से बैठे हो, कोई सुनवाई नहीं? कोई नहीं, कुछ ना कोई गोली दी अब तक, ना कुछ दिया। अच्छा। हाँ जी। तो रात से प्रॉब्लम में? रात 1 बजे के आए बैठे हम यहाँ पे, अब देख लो अब दोपहर के 2-2.5 बजे पड़े हैं। तो कोई कुछ नहीं दे रहे, ना गोली दे रहे, ना कोई ट्रीटमेंट नहीं है। भैया, किसको वोट दोगे इस बार, कौन सी पार्टी को? हाथ जोड़ रहे हो आप तो नेताओं की तरह, खुद ही तो नहीं कहीं नेता बनी। आप किसको दोगे वोट? हम तो मोदी को देंगे वोट। मोदी को दोगे? क्या कर दिया मोदी ने ऐसा? लड़कियों की शादी भी करवा रहा, चावल भी बांट रहा। और क्या करवा? आपको चावल मिल गए? हम तो सब कुछ मिल रहा, पका के खा लिए चावल। खा लिया मैं तो। अच्छा, दरे मार तो मोदी लाओगे? मतलब हम तो मोदी के देंगे वोट दोबारा से बीजेपी। हाँ। तो भाई आपने देखा, आपकी सहेली, आपकी सहेली तो कह रही है मैं मोदी को लाती नहीं, इस बार महंगाई बढ़ा दी। हम तो मोदी को देंगे वो। अच्छा, हम तो यूपी के। अच्छा, आप बता दो, आपकी आपकी फ्रेंड कह रही है मैं तो मोदी को वोट दूंगी। मेरी सिमदन आया। सिमदन है तो समदन से तो फिर वही बात है, समदन की तो वैसी 36 का रहता है ना। यहाँ आ जाओ समदन जी, एक बार यहाँ आ जाओ आप। अब नहीं आते समदन तो शर्मा गई आपकी। अच्छा, ये कह रही है मैं तो मोदी को ही इस बार लाएंगे, बीजेपी को ही लाएंगे, आपकी समदन तो ये कह रही है। भैया हम तो दिन देने, हम तो और किसी ना देंगे, और किसी को दोगे? हाँ। दादी, सरकार ने जो काम कर रखे हैं, खुश हो उससे? कुछ मिला आपको? मना नहीं, मेरा बेटी मना कोई नहीं बोलना आंदा। अभी बोल तो रहे हो ना। तो भाई और लोग भी हैं आगे, उनसे भी जो है, एक दिन का जो सीएम था केजरीवाल, उसने हर चीज कर दिया था। आज हम भी 7 बजे से खड़े हैं लाइन में, सुबह का 7 बजे से। अभी तक मेरे घर वाले को एडमिट नहीं करा, मतलब करनाल में कुछ नहीं हुआ। दोबारा मनोहर लाल की सरकार नहीं लाओगे? तो भाई तो वो कह रही मैडम आएगी तो जाँच करेगी, चेक करेगी जब आपका काम होगा। मतलब खट्टर साहब को दोबारा वोट नहीं दोगे? तो मैं ये नहीं कह रहा खट्टर साहब क्या है नहीं है, मैं दिल्ली का रहने वाला आदमी। अच्छा। हाँ जी। यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं मिली? तो अभी तक के खा रहा हूँ, अभी और खाऊंगा थोड़े से। तो भाई लोगों का दर्द देखो, दर्द देखो, लोगों का कह रहे हैं भाई रात से धक्के खा रहा हूँ, अभी तक कोई फैसिलिटी नहीं मिली है, वाइफ एडमिट है, क्या दिक्कत क्या हुई है? दिक्कत क्या हो, घर वाले को लेकर एडमिट हूँ। अच्छा, क्या? हाँ, लड़की है 5 साल की, तो लेडीज की जो महिलाएं होती है उसमें जेंट्स नहीं जा सकता, लेडीज ही जा सकती है, तो इसलिए मैं बाहर ही खड़ा रहता हूँ, बाहर से देख कर आता हूँ कहाँ गई, घर वाली नहीं गई, अपना बाहर खड़ा हूँ चुपचाप से सुबह का 7 बजे का। तो भाई लोग यहाँ तो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं सरकारी अस्पताल में इस समय हम करनाल के। मोदी मान है, सम्मान है या अपमान है? मान ही है। मान ही है? मान कैसे, थोड़ी तेज बोलो। मेरे को नहीं बोलना, तो मैं दिक्कत में हूँ ना, मेरा बच्चा हो रहा है ना उधर। क्या हुआ बच्चे को आपके? लड़की को लेके आई हूँ ना मैं। क्या हुआ लड़की को?
बच्चा होने वाला है। अच्छा, तो यहाँ फैसिलिटी मिल रही है? नहीं, कुछ नहीं मिल रही। कोई फैसिलिटी नहीं, फायदा कोई वो नहीं कर रहे, जान को कुछ नहीं मिल रहा यहाँ। तो भाई यहाँ पर करने तो हम चुनावी सर्वे आए थे, लेकिन आप देख सकते हो लोग इस समय काफ़ी ज़्यादा समस्या में नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही। कब से आए हुए हो? ये रात 1 बजे के आ रहे हैं। 1 बजे के आ रहे हैं? हाँ। तो अब तक किसी ने देखा नहीं? कुछ नहीं देखा, ना देखा है, ना कुछ गोली दी है, ना कुछ बट्टी दी है, कुछ परेशान परेशान हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ के सरकारी अस्पताल के हाल हैं। मैं चाहूँगी आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, उन बीजेपी के नेताओं तक पहुँचाएँ, उन सत्ताधारी नेताओं तक पहुँचाएँ जो कहते हैं कि सिविल हॉस्पिटल में हर चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल है। कुछ और लोग हैं, आंटी आइसक्रीम तो बड़े मज़े से खा रहे हो, बताइए आप। मोदी मान है, सम्मान है या देश के लिए अपमान है? अपमान है देश के लिए। अपमान कैसे जी? हम 1 हफ्ते हो गया, बहू ने लेकर आए थे, पहले तो हफ्ते का टाइम दिया, फिर कल भी लेकर आए, कल बोले सवेरी लेकर आई हो, सवेरी 6 बजे आ गए थे जी, आज ये बिल्कुल कुछ नहीं समाधान है। कहाँ के रहने वाले हो? इंद्रगढ़ के जी। कहाँ पड़ते हैं ये? यू करनाल के इंद्री के पास है। तो अगली बार फिर खट्टर साहब को ही सीएम बनाओगे? ना जी, किसी ने बना दे। किसको दोगे वोट, कौन सी पार्टी को? बस वह तो हमारी मर्जी है जिसकी पार्टी को देंगे, लेकिन बीजेपी को ना दिन देनी है। बहुत तक ताइया यहाँ पे आइसक्रीम मटका कुल्फी के मजे ले रही है। मैं भी थोड़ा सा बात करूँ, तो खाई ले, कुल्फी तो खा ले, इलाज तो नहीं मिल रहा है ना? कुछ नहीं मिल रहा। तो इस बार किसको, कौन सी पार्टी को वोट दोगे? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी? जेजेपी मोदी तो कोई नहीं दे, हम तो जमी दुखे के राशन कार्ड मारे कटवाए रखे, बाड़े मारे नहीं है, कलोनिया मारे नहीं है, ग्रांट माना गरीब आदमी क्या करा, नरेगा करो उसके ने पैसे आंदे, क्या करा मोदी का? मोदी तो जमी नफरत है। आइसक्रीम तो स्वाद है, यार स्वाद मोदी ने बनाए रखी है, यहाँ तो बनाए बेचारे मजदूर। हाँ तो भाई ताई तो नाराज होगी, कह रही है मैं तो सामने आ जा, मैं तो जीत जमी कहूंगी, क्या नहीं कहूंगी, क्या करवाया था मैं वोटा ले लेकर। हाँ। यही बात तो, कुल्फी खानी पड़ रही हॉस्पिटल में। हाँ हाँ, यही खानी पड़ रही बेटे, गरीब आदमी जमा रहा पीछे, हम प्राइवेट में भग जाते, सही बात है कि नहीं? और राशन मिले करता, राशन नहीं मिल रहा, मेरा भाई जमी आज ना, और 3 छोरियां रात रंग हो रहा 3-4 साल है ना, उसकी पेंशन बंदी और उसका राशन कार्ड काट रखा, क्या मोदी ना खावेंगे? तो मेरा घर जाकर देखे क्या हाल हो रहा बच्चों का, फिर क्या करेंगे? इंद्रगढ़ के हाँ, पलाने की बेटी हूँ मैं, देखेगी तो जाकर इतना बुरा हाल ले रहा, लैट्रिन नहीं अगर मकेंगी करू का बाहर कर फोटो तैर का भेज दो, और कहाँ जाएगा और के उसके सिर पर बैठेगा बरे के जाकर, जमीन नफरत हो रही मोदी का तो बहुत ज़्यादा। भाई ये लोगों का दर्द जो है ना, ये देखने वाला है, समझने वाला है, मैंने अब तक आपको नहीं कहती कि शेयर कर दो, ठीक कह रही जाकर देखेगी जो, तो लोग आगे आंटी ठीक कह रही है भाई, वीडियो को इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो ताकि ये जो है जो असली जमीनी हकीकत है, माफ कीजिएगा, ये जो है अधिकारियों तक, नेताओं तक जरूर से जरूर पहुँचनी चाहिए। आप किस लिए आए हुए हो यहाँ? ऐसा मैडम, मैं तो मेरे वाइफ को खून की कमी है, तो कुनपुरा से मैंने रेफर हुई है, मैं इस कारण अभी आया हूँ। तो मेन बात यह है कि खट्टर सरकार वर्गी सरकार कोई भी नहीं है, निजी काम नहीं हो रहे, इसलिए लोग परेशान हैं। बाकी जोनसा है सड़कों का, वैसे काम बहुत हो रहे हैं, पहले जोनसा था नौकरी लगती थी, पहले नौकरी लगती थी, मेरा भाई है ब्रदर, नौकरी लगती थी, पैसे दे के लगती थी, पैसे ले के अब बट जोनसा नंबर वाइज लगती है, तो पहले जोन सा था कॉरपोरेशन बहुत था, अब कम है, पूरा तो हटा नहीं है पर कम है। पर मैं ये चाहूँगा कि निजी काम किसी का नहीं हो रहा, मोदी सरकार वर्गी सरकार कोई भी नहीं है पूरे वर्ल्ड में जोन सा हमारा। ऐसा क्या कर दिया मोदी सरकार? मैं बता, ऐसा देखो बहुत कुछ कर दिया, 140 करोड़ जनसंख्या का नाम रोशन कर दिया पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री है उसने भी पैर छुए, तो इसका मत जय श्री राम। देखो मेन बात है 140 करोड़ जनसंख्या, हमारा नाम रोशन हुआ है वहाँ पर पूरे वर्ल्ड के अंदर। अगर जो यूक्रेन का आज युद्ध अगर छिड़ रहा है तो इसके कारण जो था ये ही सुलझा सकेगा, और कोई माई का लाल नहीं आएगा सुलझाने के लिए। तो सबसे बड़ी बात है हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन हो रहा है, ठीक है, किसी के नीचे काम नहीं हो रहा। ये तो कह रहा है खट्टर सरकार से बढ़िया सरकार नहीं होगी, इसका काम कर रखे होगा, ठीक कह रहे यू, मारा तो कोई नहीं रहा। अच्छा जी मैं बताता हूँ, सुनो मेरी बात, हमारा काम क्या है, हमने तो कमाना है और खाना है, ठीक है कि नहीं? कमाई हुई दाढ़ी भी नहीं मिलती जी, देखो आटा है, ठीक है कि नहीं? हम कहते हैं बंद कर दे, आटा फ्री मिलता है, लोग कमाने नहीं जाते,
मजदूरी नहीं करने जाते, जब बैठा बैठा मिल रहा है गरीबों का भी कर दो, मीरों का भी कर दो, जब मीरों ना मिल रहा गरीबों ना भी मिलो, सब ना बंद कर दो। बैठा बैठाया जब मिल रहा है हमारे को आटा, तो हम कमाने क्यों जाएंगे? आटा टक अगर ले मारेंगे और भी तो खर्चा चाहिए। देखो करार के कॉलोनी है, 6 साल हो गए कॉलोनी का, आज आई कहाँ से होता है? कहाँ से हो? राड़ा राड़ा बल्ले होना संत के पास। हाँ फिर ई ब्लॉक वो कॉलोनी नहीं आई, और जिसकी आनी थी उनकी आएगी, और गरीबा की नहीं आई। तो इस बार फिर खट्टर को वोट दोगे कि नहीं? के खट्टर के वोट दी जाएंगे, हमारा काम करवाओगा। हाँ ई बबी ना होया, मेरा छोरा मरिया घबरू, बहू मेरी परका मरिया है, उसके 4 बच्चे हैं, ई ब्लॉक वो पड़े थे सारी कड़ी टूटी पड़ी है, ई ब्लॉक कॉलोनी नहीं आई उसकी। हाँ कॉलोनी नहीं आई उसकी ब्लॉक ई भाई आज आई, और जिसकी आए ना तो सही मानस है करंदर नाले, उनके काम बन लग रहे और गरीबा के काम नहीं बनते। इवनू कहें चूना चून के गले मारा, चून के लोर भी तो खर्चा चाहिए। बताओ भाई अब। हाँ जी मैं जवाब देता हूँ इनका। देखो सबसे पहले जो सा अपने हाथों पे जो सा है विश्वास करना चाहिए, सरकार कोई भी किसी का निजी काम नहीं करेगी, ठीक है कि नहीं? अपने हाथों पे विश्वास को कमा के करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं? इज बेटर मोदी सरकार, जिंदाबाद जय श्री राम। तो भाई यहाँ पे आपने देखा कैसे एक बंदा मोदी सरकार के फेवर में और एक टोटली अगेंस्ट। अब कुछ और लोग भी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। इतना बता दो बस, इस बार वोट किसको दो? खट्टर सरकार को? ये भी तो किसी तन दे जवाब तो देख रहा, कट गया। अच्छा कर रहा नोटबंदी कर रहा, अच्छा कर रहा, गरीब आदमी के लिए कर रहा हो, जो भी चाहे बैसक वो लाइन में धक्के खा रहा है गरीब आदमी, बैसक गरीब तो अमीर तो परेशान हो रहा ना, अमीर आदमी जो हुआ कि नहीं वो परेशान, अगली बार भी इस बार भी, ऐसी बात नहीं है कि अमीर आदमी पास पैसे नहीं है, इस टाइम भी बहुत पैसे। अच्छा आम आदमी पार्टी का आप बात कर रहे थे, केजरीवाल की आप बात कर रहे थे, केजरीवाल ज़्यादा अच्छा है मोदी? मुझे तो केजरीवाल भी अच्छा है और मोदी जी। बताओ ना ऐसी बार तो क्या 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 मैंने बोलता कुछ नहीं। केजरीवाल ने 5,000 रुपये दिए थे मेरे को, अच्छा लाइसेंस बेचता मेरे पास, तो बोला कि जो ऑटो चलाते हैं दिल्ली में इसके पास नहीं है, तो उसने 5,000 रुपये खाते में डाल दिए कि भाई गाड़ी कहाँ चलाएगा बंदा अगला। किसको वोट दोगे इस बार? बीजेपी जेजेपी आम आदमी पार्टी कांग्रेस? मन तो पता नहीं जी किसे ले आनी, मन तो ही नहीं ना, मन नहीं पता कुछ। अच्छा सरकार अब तक जो काम कर रही है उससे संतुष्ट? ठीक है जी, ठीक है। किसको वोट दोगे? मेरी वोटें नहीं, वोटें नहीं, क्या एज है? मेरी वोटें नहीं। अच्छा वैसे कौन सी सरकार अच्छी है? मैं ना कोई पॉलिसी ला लो चाहे मेरी वोटें नहीं जी, वोटें नहीं। मैं कैसे ले लूँ, खड़ी होंगी इलेक्शन में तब लूँगी। ये अब बेलपूड़ी वाले भैया हैं, भैया भी जो मोदी जी हैं देश के लिए सम्मान है, मान है या फिर अपमान है? सब सम्मान है। सम्मान है? हाँ जी। कैसे क्या मतलब? ठीक ठाक है जो है तो अच्छा है। अच्छा है? हाँ हमारे लिए भी अच्छा। आपके लिए अच्छे हैं? ये सरकार बढ़िया है? ठीक है सरकार, जो सरकार है तो सरकार ही है। अच्छा। हमारे लिए तो बराबर ही है, एक बराबर है। कोई भी सरकार, कोई भी सरकार है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं। मतलब ये एक ऐसा वर्ग है जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कमाना खाना हमारे लिए तो है ही है। अपना कमाते खाते भेलपुरी में अपना। नहीं महंगाई में भी तो आपने कोई फर्क नोटिस किया होगा, पहले ज्यादा थी अब ज्यादा है? महंगाई तो अब तो ज्यादा ज्यादा होती है। अच्छा कम थोड़ी होती है, बस ये भी चलता। वोट वैसे किसको दोगे? बीजेपी जेजेपी आम आदमी पार्टी कांग्रेस या किसी और? हम तो बीएसपी को देंगे। किसको दोगे? बीएसपी। बीएसपी पार्टी कौन सी है ये तो पता नहीं। कह रहे हैं बीएसपी को देंगे, मैंने कहा कौन सी पार्टी है, कह रहे पता नहीं। वहाँ पे कुछ और आंटियाँ खड़ी हैं, देखो पहले तो कैमरा देख के इधर उधर ही हो जाएंगी, एक बार बात कर लेते हैं। कौन सी पार्टी को वोट दोगे जी इस बार? कांग्रेस को देंगे जी। कांग्रेस को दोगे? हाँ मोदी को क्यों नहीं? वहाँ तो सारे मोदी फॉलोअर खड़े हैं। ओ मोदी के बंदे होंगे, हम नहीं आए। आप नहीं हो ना? क्या कारण है ऐसा? काम ही नहीं है कुछ उसका। अच्छा और क्या? और कांग्रेस ने ऐसा क्या कर दिया कि कांग्रेस को चुना? बहुत कुछ कर देगी वो। मोदी देश के लिए मान है सम्मान है या अपमान है? अपमान है। अपमान है? कैसे अपमान है? कैसे है जैसे है? क्या सुविधा है यहाँ? क्या कुछ है बताओ? कुछ है यहाँ? आप आए हो हॉस्पिटल, आपको पता होगा ये 2 दिन हो गए यहाँ पड़े हैं, कोई आगे क्या तो है, कोई केयर तो हो नहीं रही है। कल के मरीज को लेके आ रहे हैं, डिलीवरी को न कोई देखभाल कर रहे हैं ना कुछ है, बस वैसे की वैसी पड़ी है। जोन से मैडम अपने फोन में बैठी है, उससे पूछे तो बात करनी
तो भाई ये है जमीनी हकीकत सिविल हॉस्पिटल की। करने तो चुनावी सर्वे आए थे लेकिन लोग दुखी हैं, यहाँ के जितने भी अंदर स्टाफ है उससे रात को 1-1 बजे से लोग लाइनों में लगे हुए हैं लेकिन उनको इलाज नहीं मिल रहा है। तो मेरी आप सभी लोगों से अपील है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि उन नेताओं की आंखें और कान खुल सके कि भाई लोग इन एक्चुअल कितना परेशान हो रहे हैं, अस्पताल में उनको इलाज नहीं मिल रहा। मैडम फोनों पर लगी रहती है, कहाँ गई मैडम? मैम फोन पर लगी रहती है अंदर, नहीं ऐसे बैठनी है, चलो फोन में लग रहे, देखना तो चाहिए भाई मरीज इतना तड़प रहा है, उसको कोई दवाई दे, कोई इंजेक्शन लगा दे, कोई गोली दे दे, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कहाँ से आए हो? हम नलीपार से। अच्छा, कब से आए हो यहाँ? रात से 2 बजे के आ रहे हैं। 2 बजे के आ रहे हैं। क्या दिक्कत क्या आपके पेशेंट को? डिलीवरी होनी थी। अच्छा, अब तक कोई नहीं? तो भाई 1, 2, 3, 4, 5 जितने लोगों से बात किया ना, 5 के 5 टोटल 100 के 100% लोग ये कह रहे हैं कि हमें इस सिविल अस्पताल में इस लेबर रूम के बारे में खड़ी हुई हूँ, यहाँ पर कोई भी इलाज नहीं मिल रहा है। बड़े बड़े वादे कर दिए जाते हैं, वोट मांगने आते हैं तो पता नहीं क्या क्या कह दिया जाता है, लेकिन यहाँ लोग परेशान हैं। इसकी जवाबदेही किसकी होगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ये आम जनता का दर्द ज़रूर समझिएगा जो 1-1, 2-2 बजे से रात से लाइन में बैठे हुए यहाँ धूप में धक्के खाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके घर वाले परेशान हैं, उनके घर के लोगों की डिलीवरीज होनी है लेकिन यहाँ पर अभी भी स्टाफ जो है उसकी भी कमी है, उनको दवाइयाँ टाइम पे नहीं मिल रही हैं, चेकअप उनका टाइम पर नहीं हो रहा है। आप सभी लोगों से मेरी अपील रहेगी हाथ जोड़कर इस वीडियो को जितना ज़्यादा उसके शेयर ज़रूर करें ताकि ये जो चीज़ें हैं, जो ये ग्राउंड लेवल की जो सच्चाई है, ये अधिकारियों तक, प्रशासन तक, सरकार में बैठे लोगों तक, नेताओं तक जरूर से जरूर पहुंच सके। और आप लोगों की इस वीडियो पर क्या कुछ है राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे यहाँ नीरा माटा के साथ टिप टॉप हरियाणा पर। धन्यवाद।